सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिस्प गेमिंग पे। तो जैसा कि आप लोग मेरे नीचे लेवल बार को देख सकते हैं जो कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, 36 लेवल पे हूँ मैं, विच इज वेरी मच। तो गाइस इसके पीछे है एक बहुत बड़ा रीजन और बहुत ज़्यादा मेहनत। जो मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने बनाया है अपना जो हमारा ज़ॉम्बी स्पॉनर हमको मिला था उससे एक स्पेशल मल्टी यूटिलिटी फार्म। ओह माय गॉड, वाओ! जिससे हमको रोटन फ्लैश और एक्सपी दोनों बहुत दबा के मिलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अब हम अपने उस स्पॉनर की तरफ। उससे पहले गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि जो मैंने क्या किया है उसने। गाइस बेसिकली मैंने इस पे थोड़े वुडन प्लैंक्स लगा दिए जो मैंने उधर क्रिम्सन फॉरेस्ट से लाया था, और एक यहाँ पे पेड़ लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्पॉनर के पास। 2000 years later ये गाइस वहाँ था हमारा वो स्पॉनर जो पूरा ढक चुका हुआ है स्टोन में। गाइस ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे बड़ी तबाहीदार सी एक चीज बनाई, जरा ऊपर भी देख के चलो। ये मैंने अपने लिए एक बहुत तगड़ा स्टेयरकेस बनाया। मैं गाइस थक गया था भाई साहब, बार बार नीचे आके अंदर जाके भाई साहब मतलब ना। तो पहले मैं सेफ्टी के लिए इस जगह को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो जैसे ही अब हम यहाँ पे स्टेप रखेंगे, इस साइड है मेरा स्पॉनर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे अब हम एक छोटा सा छेद देंगे, तो देखिए गाइस वो मेरा स्पॉनर। मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा रूम देख किया और बना दिया अपना स्पॉनर। तो गाइस बेसिकली इसका कुछ नहीं है ज़्यादा। पहले ये मॉब्स को ऊपर लेके जाता है, मॉब्स इधर को आते हैं, फिर वो पट से उनको नीचे छोड़ता है जिससे उनको केवल 1 या 2 हिट लगती हैं जिससे वो मर जाते हैं। देखिए गाइस कितनी जल्दी से जल्दी एक्सपी मिल रही है हमको। यहाँ पे ऐसे ही 2 मिनट खड़े होंगे तो हमारे पीछे पूरा भंडार लग जाएगा मॉब्स का। मैंने यहाँ पे ये जस्ट पूरी देखिए कितने स्टैक हो गए हमारे पास रॉटन फ्लैश के। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमें थोड़े से जो ज़ॉम्बी आते हैं हमारे अमीर होते हैं थोड़े, वो गोल्डन लेगिंग डाल के आते हैं तो वो हमें गोल्डन लेगिंग्स ही दे देते हैं और ये हमें बाकी सारी चीज़ें भी मिलती हैं। और जो चेन मेल आर्मर होता है ये काफ़ी रेयर होता है क्योंकि ये हमें केवल ऐसे ज़ॉम्बी या स्केलेटन से ही मिल सकता है। मेरे को यहाँ से थोड़े पोटैटो भी मिले, काफ़ी रेयर हैं। कैरेट और आयरन भी बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। तो जी गाइस मुझे यहाँ पे अभी खड़े हुए कुछ 2 मिनट के आसपास हुए हैं और यहाँ पे पूरी तबाही मच चुकी है। ये हम लेंगे, गाइस काफ़ी सेटिस्फाई सी चीज़ होती है नहीं, मतलब कैसे ऐसे मक्खन मार के ऐसे एक्सपी पूरी भर रही है अंदर तक। थोड़ी सी एक्सपी यहाँ भी अड़ जाती है जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस बनाई है। देखिए गाइस अभी एक ने हमें आयरन शवल भी दिया और यहाँ पे हमारे स्टैक्स भरे जा रहे रॉटन फ्लैश के। तो गाइस मैंने इसको ऑनलाइन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इसने बनने में, और अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती। तो मैंने इसे ऑफलाइन बना के एक ऐसा ही इसी वर्ल्ड का सीड डाल के एक और नया वर्ल्ड बनाया जो कि क्रिएटिव मोड में है। उधर मैं आपको सिखाता हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में। तो जी वेलकम बैक गाइस, मैं उसी केव में हूँ, यही मैंने वर्ल्ड का सीड डाला था। मैंने अपने पे पोशन ऑफ नाइट विजन का इफेक्ट डाल रखा है क्योंकि नहीं तो हमें हर जगह लाइट लगानी पड़ेगी। हमने उधर तो करते टाइम लाइट लगा दी थी, बट अभी मैं फालतू तो टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और सीधा चलूँगा कि इसे कैसे बनाते हैं। तो जी गाइस यही है हमारा वो स्पॉनर जो हमें मिला। ये हमारी वही चेफ्टें, इन्हें हम जल्दी जल्दी तोड़ देते हैं। गाइस ध्यान से रखना है कि हमारा ये जो स्पॉनर है वो ना टूट जाए क्योंकि तो हम क्रिएटिव में हैं तो ब्लॉक इंस्टेंटली माइन होंगे जैसे आप देख सकते हैं ऐसे। इसे सर्वाइवल में बनाना भी इतना मुश्किल नहीं होता बट वो टाइम काफ़ी लेता है। तो जैसे गाइस अभी हमने इसको लाइट अप कर दिया, अब हमने करना है इसके ऊपर 3 ब्लॉक की स्पेस, इसके नीचे 3 ब्लॉक की स्पेस और उसके इसके आसपास 9x9 की स्पेस। पहले वो स्पेस डग आउट करके मैं आपको कैच करता हूँ। तो जी गाइस अब हम यहाँ पे पूरा इसको कर चुके हैं खुदाई। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था वहाँ पे हमने कॉब्लस्टोन लगा के इसको बंद कर दिया है। अब हम यहाँ पे 2 वाटर बकेट छोड़ेंगे, एक यहाँ पे सेकंड ब्लॉक पे, एक दूसरे साइड के सेकंड ब्लॉक पे, जहाँ से ये ऐसे एक फॉर्म शेप फॉर्म करेंगे। अब जो इनके एक एक नीचे वाले ब्लॉक है उनको हम माइन कर लेंगे। तो गाइज ऐसे जब हम ये कर लेंगे तो ये पानी का जो ट्रेल है, हम कहीं भी आएँ, जैसे अगर यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी स्पॉन हो तो वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा। यहाँ पे अब हम करेंगे 3 लेयर तक आगे इसको, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे साइन। तो अब जैसे ये 3 ब्लॉक्स हम आगे आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लगाएंगे साइन 3, ज़ॉम्बीज़ आराम से आ सकें इधर। ऐसे करके हमने यहाँ पे लगानी है पैक डाइस। गाइस पैक डाइस हमको मिल सकती है जब हमारे पास सिल टच हो। अगर आपके पास ये पैक डाइस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैक डाइस के भी ये बन जाता है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे सोल सैंड। अब हम सीखेंगे वाटर एलिवेटर कैसे बनाते हैं। हमने अब यहाँ से ऊपर डक करने हैं 21 ब्लॉक्स स्ट्रेट। अभी हम 2 पे हैं, 2 ब्लॉक्स, 1 2 3। 22nd ब्लॉक से हम 21 पे हम करेंगे नीचे को ऐसे। और अब हम लेंगे कैल्प। कैल्प हमको मिल जाती है ओशंस में। अब हम केवल इसके नीचे वाला 1 ब्लॉक तोड़ेंगे और हम बिल्कुल तैयार हैं ऊपर तक जाने के लिए। गाइस हमें हम बन गया बबल एलिवेटर। बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। तो ऐसे अब हम यहाँ पे 2 ब्लॉक्स माइन करेंगे। सॉरी गाइस, इस साइड नहीं करेंगे, हम आगे यहाँ पे हम करेंगे कम से कम 6 ब्लॉक, 2 3 4 एंड 5। 6th ब्लॉक से हम करेंगे यहाँ नीचे को स्ट्रेट माइन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना लिया है। ये रूम अभी टेम्परेरी है, हम इसे जल्द ही बंद कर देंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ से जाके क्या हम वहाँ पे अपना रूम खोल पा रहे हैं। तो जी गाइस, अब मैं इसको अपना ऊपर आ चुका हूँ। हम यहाँ पे लगाएंगे एक साइन स्टोन, फिर यहाँ पे करेंगे वाटर बकेट एक, उसके बाद फिर से लगाएंगे एक वाटर बकेट यहाँ पे, जिससे गाइस जब मॉब्स आएंगे, ये एक फुल ब्लॉक है, जो इधर नहीं आ पाएंगे वो इधर आएंगे, इधर धड़म से गिरेंगे और इधर हमारा रूम है उनको मारने वाला। यहाँ पे अब हम लगाएंगे, ये है हमारा ये। तो अब हम यहाँ पे ऐसे इस ब्लॉक करके, ताकि ये हॉपर इधर को जाए और यहाँ पे एक, फिर इस जगह को एज इट इज़ बंद कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास चेस्टें हैं उनसे ऐसे यहाँ पे बनाएंगे, और जो हम चीज़ अब यहाँ पे फेंकेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। हम इसको सेट करेंगे क्योंकि ये एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है, तो ज़ॉम्बी के बेबी वेरिएंट्स भी आ सकते हैं जो कि काफ़ी अनोइंग होते हैं, वो हमें मार सकते हैं यहाँ से बीच से निकल के। तो हमने ये पूरा सेट कर दिया है, हमारा मॉब स्पॉनर रेडी है। अब देर ही है बस इसे टेस्ट करने की। अब हम यहाँ पे लेंगे एक स्टोन स्वॉर्ड। अब होपफुली हमें ज़ॉम्बी ग्राउंड की बातें तो आ चुकी हैं। देखते हैं अब कैसी हमारे ये फार्म रिजल्ट्स देता है। यस गाइस, देखा ये हमारा फार्म चल पड़ा है। अब देखिए गाइस, हमें मॉब स्पॉनर मेरे को अभी इसलिए मिली क्योंकि एक नया वर्ल्ड है। 2 या 3 हिट्स लेके ये गए भाड़ में, हमारा सामान गया आ गया यहाँ पे। यस गाइस, तो चलिए हम अपने असली माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में चलते हैं। तो जी गाइस, अब हम वापस आ चुके हैं अपने सर्वाइवल गाइड के वर्ल्ड में। तो गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड द एपिसोड। If you enjoyed the episode, like, share and subscribe to my channel Crisp Gaming. Until then, thank you and goodbye.